दोस्तों, आखिर फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को क्यों छोड़ने वाले हैं? आखिर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से अब हमेशा हमेशा के लिए फुकरा इंसान क्यों जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप सब भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान के एक बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको बता दें कि अब फुकरा इंसान ने यहाँ पर घर की एक कंटेस्टेंट यानी जिया शंकर के साथ एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि वो अब इस शो को छोड़ने वाले हैं, इस शो से जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों जाने वाले हैं? क्या यहाँ पर फुकरा इंसान की किसी के साथ लड़ाई हो गई है, या फिर सलमान खान ने फुकरा इंसान को बिना मतलब के ही डांट दिया है, या फिर बिग बॉस ने फुकरा इंसान को कोई बहुत बड़ी सज़ा दे दी है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसी की सच्चाई बताने वाले हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के दो सदस्य फुकरा इंसान और जिया शंकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, और बात करते करते ये दोनों ये डिस्कशन करने लग पड़ते हैं कि अभी अभी सलमान खान इस वीकेंड का वार वाले एपिसोड में जब आए थे तो उन्होंने ये कहा कि बिग बॉस ओटीटी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए बिग बॉस ओटीटी अब दो और हफ्ते आगे बढ़ चुका है। और इसी बात पर यहाँ पर आपको बता दें कि डिस्कशन करते करते जिया शंकर बोलती हैं कि भले ही बिग बॉस दो हफ्ते आगे बढ़ चुका हो, भले ही अब 6 की जगह 8 हफ्ते बिग बॉस आना हो, लेकिन मैं इस शो के बीच में ही चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने बाहर एक सीरियल साइन कर लिया है, एक शो मैंने साइन किया हुआ है और मैंने डेट्स भी दे दी हुई है, इसलिए अब मैं आगे नहीं रह सकती, मैं इस शो को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती, मैं बीच में ही इस शो को छोड़कर चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ यहां पर आपको बता दें कि फुकरा इंसान ने पहले यह कहा कि तुम शो को छोड़ने वाली हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि घर की सदस्य पूजा मैम ने भी मुझसे बात करते हुए ये बताया था कि बाहर वो एक शो को साइन करके आई हुई हैं, इसलिए उन्होंने भी डेट्स तय कर ली हैं, इसलिए वो भी इस शो को कंप्लीट नहीं करेंगी। तो यहां पर आपको बता दें कि जब ये दोनों यहां पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो इसी बीच फुकरा इंसान भी जिया शंकर को बोलते हैं कि मैं भी इस शो से बीच में ही चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने बाहर एक ट्रिप प्लान की हुई है और उसी की डेट भी मुझे अब पता है और मैंने डेट्स भी कंफर्म कर ली है, इसलिए मैं भी इस शो को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पूजा भट्ट, फुकरा इंसान और जिया शंकर जो कह रहे हैं कि शो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो क्या बिग बॉस उन्हें जाने देंगे या फिर नहीं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ साथ आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।